Very good morning to all. Today we are going to do exercise of chapter number 3, right? तो आज हम part D करेंगे, that is true false, okay? So first is a computer has 4 main parts. Computer के 4 main parts होते हैं. Is it true or false? Yes, it is true. तो आप यहाँ पे T लिखेंगे, right? A monitor is called the brain of the computer. Monitor को computer का brain कहते हैं. That is false. किसको कहते हैं brain computer का? CPU को, right? Third is the buttons on the mouse are called keys. जो mouse पे buttons होते हैं उनको हम keys बोलते हैं. Is it true? No. This is false क्योंकि वो होते हैं बटन्स और कीज होती हैं कीबोर्ड पे, ओके. फोर्थ इज वी यूज अ माउस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. हम माउस का यूज ड्राइंग में और गेम्स को प्ले करने में करते हैं. दिस इज राइट, ओके. नेक्स्ट इज ई पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस. तो आपने इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं. विच अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ स्क्रीन. कंप्यूटर के कौन से पार्ट की स्क्रीन होती है, ठीक है? तो कौन से पार्ट को की स्क्रीन होती है बेटा? मॉनिटर की. तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? मॉनिटर, राइट. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प्स टू टाइप. कौन सा पार्ट हमें टाइप करने में हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है, ओके. तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? कीबोर्ड, ओके. तो कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर हेल्प्स टू सेलेक्ट एंड मूव आइकन्स. कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जिससे हम आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं और मूव करते हैं? सो राइट आंसर इज माउस. माउस की हेल्प से हम आइकन्स को सिलेक्ट भी करते हैं और मूव भी करते हैं, ओके. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ अ प्रिंटर. प्रिंटर का यूज किस लिए करते हैं हम, ठीक है? तो हमें बताना है कि प्रिंटर का यूज हम किस लिए करते हैं. अ प्रिंटर इज यूज टू टेक